Hey guys, welcome back to my channel Anshul's Planet and मैं हूँ आंशुल। तो फ्रेंड्स, बहुत लंबे टाइम के बाद हम मिल रहे हैं एंड आपको जगह भी नहीं लग रही होगी, तो ये मेरा घर नहीं है, मैं शिमला में ही हूँ। और आज है 25th of August और जो ये नई जगह है वो है पीजी। नहीं, मैंने रूम लिया है, मैंने और मेरी रूममेट है, टू रूम सेट है, किचन एंड वॉशरूम। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मेरी रूममेट कौन है। मेरी रूममेट है पीजी में, आपको रितिका याद है, चश्मे वाली क्यूट सी लड़की, वो मेरी रूममेट है। और बाद में आपका उससे इंट्रोडक्शन कराते हैं। और आज है संडे और इसलिए हमको छुट्टी थी, तो अभी हमने सोचा ब्रेकफास्ट बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हम ब्रेकफास्ट में क्या बनाते हैं। चलो फ्रेंड्स, आज हम सोच रहे थे हम बनाएंगे बैंगन का भरता। और वैसे तो मेरा काम ब्रेकफास्ट बनाना होता है, ये वैसे तो मेरा काम ब्रेकफास्ट बनाने का होता है और रितिका डिनर बनाती है। तो सब्जियां मैक्सिमम डिनर में बनती है और सुबह बनते हैं चीले, पराठे और या फिर पोहा एंड ऑल कुछ भी। पर आज क्योंकि संडे और मेरे पास बहुत टाइम है तो बनाते हैं। और सबसे पहले अपने बाल बांध देते हैं क्योंकि बाल से मैं अच्छा लगता है खाने में। नहीं, तो मैंने एक वीडियो में देखा था, पहले इस पर तेल लगाया था और इसके बीच में भी ना काट के मिर्ची डाल के इसको बाहर गर्म करके जला देना है, फिर इसको मैश कर देना है। तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, में बैंगन धोना भूल गई थी तो इसलिए पहले बैंगन धो लेते, कोई बात नहीं। जैसे कभी जलाती इसको डायरेक्टली है। तो ये इसके अंदर फिर इसे कुछ जानी थी, आधी कर दी। कोई जज नहीं करेगा क्योंकि मेरा काम सुबह पराठे बनाना होता है और सब्जी, नॉर्मल सब्जी, ये इसमें मेरा एक्सपर्टीज नहीं था। तो आप इसको गर्म करते हैं। कितना टाइम लगता है इसको गर्म करने में? हाँ, 5-10 मिनट। तो फ्रेंड्स, रितिका जी आई है निरीक्षण करने। हाय गाइस, रूममेट यही है, तो बताइए कोई टिप्पणी करेंगे आप इस पर? तो फ्रेंड्स, इसकी शक्ल दिखाऊं तो ये ऐसे हो गया, देखो। बट कॉन्सेप्ट यही था, यही करना था। और उसको निकालना है इनके छिलके। तो फ्रेंड्स, इतने इजीली मतलब इसके छिलके निकल गए ना। वैसे मेरे को बैंगन पसंद नहीं है बट रितिका ने पहली बार बनाए थे, इतने अच्छे थे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे थे ना, तो कितने अच्छे से मतलब ये ना मैश हो गए, बहुत सॉफ्ट। हमें वर्ड पता था, वो दिख नहीं रहा था पार, रितिका को बता दिया मैश मैश। तो ये कितने प्यार से मतलब कितने अच्छे से हो गया। और अब बारी है प्याज काटने की। अब प्याज वगैरह बिल्कुल कट चुके हैं अच्छे से और अब बारी है तड़का मारने की। और आप शायद मुझे खाना बनाते हुए बहुत देखा नहीं है ना, मतलब ये शायद पहली बार ही होगा अच्छे से मतलब। तो चलो, और ये पीछे मशीन की आवाज़ आ रही है, 6 बजे से लगे लोग। Thank you.
काफी ज्यादा एचडी में दिख रहा है, यहाँ पे तड़का जल गया अगर मेरा तो। तो फ्रेंड्स वैसे तुम बहुत ही कम मसाले वाला खाना खाते हैं, पर रितिका जी को थोड़े से ज्यादा मसाले पसंद है, तो इसलिए कितनी मिर्च डाल बोल थोड़ी सी मिर्ची बंद है ना, क्योंकि आप लोगों की आवाज नहीं आएगी, तो इसलिए सब्जी एक साइड को। ये जब जब मैंने वीडियो स्टार्ट करनी तब तो भी पीछे तक जब तक अब सब्जी साइड में पक रही है, हम सोच रहे थे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो चपाती बनाएंगे या फिर चीले मतलब आटे के, ठीक है, क्योंकि हम बहुत टाइम से चपाती खा के थक गए थे। और अब रितिका ने प्रस्ताव रखा है कि क्या हम चीले बना सकते हैं, तो यस हम बनाएंगे चीले, और वो बनाने में ईजी भी होते हैं। तो वैसे हमारे साइड उसको चिल्ले चिल्टे ऐसी चीजें भी बोला जाता है, और मेरे ख्याल से मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो चलो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स को ज्यादा एक्साइटमेंट में एक दिन क्या हुआ, शायद मैं ही थी नहीं तोड़ने वाली, तू थी? अच्छा, तो ज्यादा एक्साइटमेंट में ये उठा के आटे के बॉक्स में डाला ऐसे करके, और थोड़ा सा टूटा था मेरे से, और वो थोड़ा मैंने योगदान देके थोड़ा बड़ा कर दिया, दोनों का योगदान हो गया इसमें। तो इतना मेरे ख्याल से ज्यादा ही है वैसे तो, देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम इसमें, मैं तो ऐसे प्लेन बनाने की सोच रही थी, थोड़ा सा इसमें अजवाइन वगैरह डाल देते थोड़ी सी, और थोड़ा सा बता देते बहुत अच्छा। ये है घर का शुद्ध देसी घी, ये डब्बा किसी और घी का है, बट ये शुद्ध देसी घी है घर का। सबसे पहले हम घी लगाएंगे, और इसको हम एक मिनट लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स अब देखो कितना अच्छा हो गया, ये मेरे को चीले बनाना बहुत पसंद है, और टेस्ट भी कितने सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ना खाने में, मतलब ऐसा लगता है कि मेहनत करने की जरूरत नहीं, चबाने की जरूरत नहीं है, क्यों जाएगा। हाँ बोला तो सही। तो फ्रेंड्स खाना बिल्कुल रेडी है, और रितिका और ये पीछे रितिका जी, और अब रितिका जी टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है। रितिका प्लीज नम 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 टन 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 कैसा है? अच्छा। और अभी मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना है, है ना? काफी अपने हाथ से बना खाना उतना टेस्टी लगता, बट या तो टेस्टी तो है। तो अब फटाफट खाना खा के मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी टाइम हो रहा है 2:24, और अभी खाना खाने के बाद किचन वगैरह साफ करने के बाद अभी ऑलमोस्ट 2:30 बज गया, और रितिका और मेरे को मीठा आने की बहुत गंदी क्रेविंग हो रही थी, और हमने सोचा मिठाई वगैरह लेके आते हैं, सोच रहे थे, और उससे पहले मैंने सोचा रूम साफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पिछले हफ्ते मीशो से स्टोरेज के लिए पैकेट्स मंगाए थे, क्योंकि हमारे इस रूम में सनलाइट का एक्सेस बहुत कम है हमको, और यहाँ पे शिमला में बरसात में इतने मतलब गंदा मॉइस्चर लगता है ना कपड़ों में, सब जगह ना मतलब वाइट वाइट जैसे पैचेस आ जाएंगे हर जगह, तो इसीलिए ना मैंने
ऐसे से पैकेट पैकेट होते हैं ये साड़ी कवर्स बोलता है किस इनको, बट इसमें ना इनमें ना बिल्कुल जिप्स दी होती है और ये पूरे प्लास्टिक के, तो इसमें एक आधा नैपकिन बॉल डाल के सारे कपड़े इसमें भर के, तो मैंने ऐसा कुछ कर रही थी तो मेरे कुछ कपड़े बाहर पड़े थे जो मैंने धोए थे, मैंने सोचा पहले इनको रख देते हैं, रूम साफ करते हैं फिर चलते हैं मिठाई लेके आते हैं। और बाहर ना बारिश हो रही है, मैं सुबह रितिका को बोल ही रही थी कि रितिका इतने दिन बाद बारिश मतलब धूप निकली है, बारिश आ गई वापस, तो सफाई करते हैं। और अब जा रहे हैं हम मार्केट मिठाई लेने, और आप पता है मेरे घर वाले जब यहाँ मतलब रूम सेट करने आए थे तो इतनी बड़ी छाता लेके गए, ये ऐसी दिखती है, समझ आया कुछ, तुक बन रहा है कुछ इसका, अब इतना मम्मी के अकॉर्डिंग मैं इसको स्कूल लेके जाऊं, नो डाउट अच्छी है, बट कितनी फैंसी ये ऐसा लग रहा है किसी वो ना ब्रीफ केस या फिर वो किसी सूट केस का वो है, तो बट यह अभी के लिए ठीक लग रहा है, तो अभी जाके हम मिठाई लेके आते हैं, ठीक है। इतनी सालों में पहली बार हम बालूगंज की सड़क पर बिल्कुल बीच पे चल के आए हैं, मतलब क्योंकि यहाँ बालूगंज क्रॉसिंग पे ना लैंडस्लाइड हो गया है बहुत गंदा, और सारे रोड ब्लॉक है दोनों एडवांस स्टडी वाले भी और दूसरे भी, इसलिए बिल्कुल ट्रैफिक नहीं आजकल बालूगंज में, और हम अगर हमको कॉलेज भी जाना होता है तो टू वाले साइड से चक्कर रोक के, बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है बालूगंज में। और हम पहुंच गए मिठाई की शॉप पे इतनी बारिश में, हम भीग के वापस आ गए और मिठाई लेके वापस आ गए, और रितिका थोड़ी चिज्जी भी लेके आई है, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा चिज्जी लेके आई है, और मिठाई देखो एक भी मेरी पसंद की नहीं है। मैं बताती हूँ क्या हुआ, मैंने ना आंटी दो ये वाली तो बोलती बेटा मैं काउंट कैसे करूँगी इतना सब कुछ, पूरी ले लो, तो मैंने ना ठीक है इतने ग्राम ये इतने ग्राम, और मैं थोड़ा सा कलाकंद डाल दिया, इतना सा डाला है मतलब इससे थोड़ा डबल था, एक और साइज का इतना ही, वो रितिका खा गई इतना सा, और मेरे को लगा बूंदी के लड्डू मोतीचूर के लड्डू होते हैं ऑरेंज वाले, और आपको रितिका दिख रही है ये, तो अभी रितिका चाय बना रही है और हम साथ में मटर लेके आए। और तो फ्रेंड्स वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।